स्टूडेंट मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताती हूँ प्रॉपरली। आपको इस डायग्राम को देखकर ही आपको सब याद, अब सारे फंक्शंस मैं आपको याद करा दूंगी, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा आपको। देखिए क्या होगा, हम फूड को माउथ से लेंगे, माउथ में क्या होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करेंगी। सलाइवा सिक्रीट करने का यही बस यही है कि हमारे फूड को ये मॉइस्ट करेगी और लुब्रिकेट करेगी, जिससे हमारा फूड जो है आसानी से ईसोफिगस में पहुँच जाए। ठीक है, तो फूड हमारा बकल कैविटी से हमारा ईसोफिगस में एंटर करेगा। ईसोफिगस के बाद, ईसोफिगस में कैसे आ रहा है, ईसोफिगस में सीलिया वगैरह होते हैं, इसके थ्रू ये स्टमक में आएगा। स्टमक में हमारा HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और म्यूकस होता है। ये म्यूकस क्या होता है, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, और जबकि HCl हमारे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे फूड के उसको सिंपलर वन में बनाने में मदद करेगा। ठीक है, फिर ये स्टमक से कहाँ जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन या ब्लैक वाली, ये यहाँ से फिर अंदर, देखिए यहाँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन, यहाँ पर डाइजेशन होगा सारे फूड का, और यहाँ सिक्रीट करेंगे हमारे पैंक्रियाज और लीवर अपने डाइजेस्टिव जूस जो होंगे उसको सिक्रीट करेंगे, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव जूस। फिर क्या होगा, जो भी डाइजेस्टिव पार्टिकल, जब भी डाइजेस्टिड फूड होगा जो डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो नहीं डाइजेस्ट होगा यानी अनडाइजेस्टिड फूड होगा वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और फिर वो रेक्टम के होते हुए NS से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब कोई भूलोगे तो नहीं।